शायद मेरे पास शब्द नहीं है उस फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए। शो हमारा ऑफ एयर जा रहा है, बट मैं इतना कहूँगा कि मेरी मुस्कुराने की वजह शायद छीन ली गई। मेरा नाम है पंख ठाकुर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन वायरल टीवी। सो बेसिकली ये मेरा सेकंड शो है, तो मुझे जितना प्यार यहाँ के लोगों ने दिया, प्रोडक्शन टीम हो गई, मेरे को स्टार्स हो गए, और मतलब सब कुछ बेस्ट था, मैं इतना कहूँगा मैं। और मैं सीरियसली हर चीज़ को बहुत मिस करूँगा, बिकॉज मेरी इस शो के अंदर एक ग्रैंड एंट्री हुई थी और मुझे जितना अप्रिसिएशन मिला था वो आई रियली मिस इट। और शायद मैं कैसे बताऊँ कि शायद मेरे पास शब्द नहीं है उस फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए, बट मैं इतना कहूँगा कि मेरी मुस्कुराने की वजह शायद छीन ली गई। इतना कहूँगा मैं। एक्चुअली जब मैंने सुना था ना कि मुझे सेट पे पता चला कि शो हमारा ऑफ एयर जा रहा है, आई वाज लाइक सीरियसली ये कैसे हो सकता है, नहीं मैं नहीं मान सकता। बिकॉज अगर TRP बहुत कम भी आती है ना, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि तब भी एटलीस्ट शो 6 महीने चलता ही चलता है, और अभी हम लोगों के शो को मुश्किल से 4 या 5 महीना चल रहा है, बस इतना ही हुआ था। और जब पता चला कि शो ऑफ एयर जा रहा है, आई वाज लाइक यार मतलब नहीं यार, ये झूठ है, ये सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ गॉसिप है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, बहुत बहुत वक्त बिलीव नहीं हुआ। फिर जब मुझे प्रोडक्शन टीम से पता चला कि हाँ कुछ इश्यूज़ की वजह से शो ऑफ एयर जा रहा है, सो मैं अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्लेन तो मैं कर नहीं पाया। हाँ या इतना कुछ हो गया। हाँ बहुत, हाँ मतलब मैं कैसे कहूँ, हाँ ओके। सो मेरी बॉन्डिंग किसके साथ बहुत अच्छी है, मेरी बॉन्डिंग सबके साथ बहुत अच्छी है। मैं हाँ मतलब मेरी जो इसमें वाइफ बनी हुई है उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हमारी मासा बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, हमारा लीड कुणाल उससे मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, तो मेरी सबसे ही बहुत अच्छी नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करता ऑन सेट, बिकॉज आई एम ए प्रोफेशनल हेयर, और प्रोफेशनल इंसान के साथ हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल बिहेवियर भी रखना पड़ता है। तो अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें शेयर करेंगे तो इट्स रियली हार्ड फॉर अस। हाँ मेरा देवराज जो दूसरा को स्टार है वो हो गया, और हमारे चाचा जी वन ऑफ द, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि मैं जो सबसे ज़्यादा किसी को मिस करूँगा ना वो चाचा जी होंगे। ही इज़ अ अमेजिंग पर्सनैलिटी, ही इज़ सीरियसली इंस्पिरेशन फॉर मी, और जिस तरीके से वो बात करते हैं उनका नज़रिया नेक्स्ट लेवल। और जो देवराज है वो मेरा मतलब हम लोग बहुत बार हम लोगों ने रूम शेयर किया है, तो मेरी उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दैट्स इट। सो मेमरी ये जब मेरी एंट्री हुई थी ना शो के अंदर, सो मुझे ऐसा बताया गया कि ऐसी एंट्री किसी की नहीं जैसी तुम्हारी हुई है, तो मुझे वो बहुत 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 अच्छा लगा था, और वो एक बेस्ट मेमोरी थी मेरी इस शो के अंदर, और मतलब मैं उसे बहुत मिस करूँगा, क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं एक स्पाइक मिला था हर जगह पर, तो मुझे वो चीज़ बहुत मिस आएगी। और मेरी फैमिली ने जो मेरी कलर से मेरी फैमिली, इन्होंने मेरा जिस तरीके से वेलकम किया था, इट्स लाइक अमेजिंग। ओ फैंस, कीप कनेक्टेड, कीप लविंग, और मैं शायद दोबारा देखने को मिलूं बहुत जल्दी कहीं ना कहीं, और हम लोग ऐसे ही साथ रहेंगे। और नो वन इज़ माय फैन, ओके, आप सब मेरे भाई हो, ऐसे ही साथ बनाए रखना बस, ओके, टेक केयर, बाय। मेरा नाम है पंख ठाकुर, और मैं एज अ रवि मर्चेंट नेवी ऑफिसर मुस्कुराने की वजह में मैं प्ले कर रहा हूँ, एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन वायरल TV, ओके, सी या।